आसान है क्यों? उसे बार बार लाइव आना पड़ रहा है, मैं पुलिस अभी तक मेरे तक नहीं पहुंची हूँ। मेरे घर वाले मेरे पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, ये निशान आप गले पे देख सकते हैं। मेरी बहनें मेरी दुश्मन हो गई हैं, मुझे मारने की कोशिश करती हैं और सब कुछ करवा रही हैं। मुझे पागल किया जा रहा है, आमल याकत के कहने पे किया जा रहा है। और मेरी बहन हीरा उसके साथ मिली हुई है, मेरा मोबाइल मुझसे छीना जाता है, ड्राइवर मुमताज उसके साथ मिला हुआ है। मैं बार बार पोस्टें लगा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ दुनिया को, ये मेरी हालत देखने की हालत हुई है। बिल्कुल मुझे पागल कर दिया गया है, इससे बेहतर है कि मुझे पागल खाने भेज दें, मेरी हालत देख लें आप। मैं मीडिया में ही रहती रही हूँ, मीडिया में काम करती हूँ, मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? मैंने कौन सा गुनाह किया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आमल याकत से शादी करी, मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की गलती थी, नर्क बना दी है मेरी जिंदगी उसने। इतना जुल्म करवा रहा है कि मेरे माँ बाप कुत्ते हैं, इन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी, जिन पे एहसान किया, पैसों वाली मशीन बनी रही है जिनके लिए, वो लोग आज मुझे मार रहे हैं। मेरी बहनें आज मेरी जान की दुश्मन है। 15 पे मैंने 10 बार कॉल किया लेकिन अभी तक नहीं, मैं छत पे आई हूँ। पूरे मोहल्ले से मदद मांगती हूँ लेकिन पूरा मोहल्ला मेरी मदद नहीं करता। चंगी सदा में रहती हूँ। सही कहते हैं, गरीब फैमिली वाले जो होते हैं ना बिक जाते हैं पैसों के लिए। और आमल याकत ने मेरी पूरी फैमिली को खरीद लिया, मेरी पूरी फैमिली मेरी दुश्मन हो चुकी है, मेरी जान की दुश्मन हो चुकी, मुझे मारना चाहती है। अगर मुझे जान मेरी बचा रही है तो मैं मौला अली को मानती हूँ, अब तक वही मेरी जान बचा रहे हैं। ये मेरे गले में ये तवीज़ वगैरह जो ब्लैक मैजिक मुझ पर करवाया गया ये, और मेरी बहनें ये उतारने की कोशिश करती है, मुझे फुल पैसे लेके पागल करने की कोशिश, पागल खाने भेजने की कोशिश की जा रही। मैंने आप लोगों को आज मीडिया पे जो स्टोरी लगाई है वो मेरे निशान, वो मुझे मारा गया। मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरी बहनें टॉर्चर करती हैं। मुमताज़ ड्राइवर आता है उसका, वो तूबा के साथ बिका हुआ है। आमा लियाकत को इस बात का नहीं पता, पैसे लिए हुए हैं उसने तूबा से और वो दोनों से पैसे लेके खा रहा है, और मेरे घर वालों को अपने साथ लगाया हुआ है। और आमा लियाकत को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसे नहीं पता कि हानिया के साथ क्या जुल्म हो रहा है। प्लीज़ अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आमा लियाकत को बताओ कि हानिया के घर वाले उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और तुम्हारा कैरियर जो डैमेज हो रहा है ना, इस सब के जिम्मेदार तूबा अमर है और मेरे घर वाले हैं जो मुझे पैसे लेकर बिक चुके हैं और मेरे गोल्ड भी मेरे छीनने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। आमल याकत को मैंने अपनी पर्सनल सब बातें बताई थी करके, उसे पता निदा आपी की जो मैंने बताई थी बात, निदा आपी मेरी जो है बहन है बड़ी, उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, कोई साया वाया था उसके साथ, मुझे नहीं पता। मैं उसके पास रही थी, मैं साथ उसके रहती रही थी, और आमल ने मुझे कहा था कि तुमसे अलग हो जाओ, तुम दोनों ने एक साथ में नहीं रहना क्योंकि वो साया तुम पे हैवी हो जाएगा, तो तुम साथ में नहीं रहो। लेकिन मैंने आमल की बात नहीं मानी थी, मैंने कहा था नहीं कुछ नहीं, मेरी बहन है साथ में रहूँगी, मैं उसे संभालती थी, साथ में रहती थी। जिस दिन उसने कहा कि वो अक्सर कहती थी कि मुझे अवैस ने तलाक दे दी हुई है और मेरी डिवोर्स हो गई हुई है, मैं कराची से जो नासर है वो SHO है उसका, अवैस का जो बनोई है, वो कहती थी मेरी उस साथ उसने बदतमीज़ी की है, मेरी इज्जत बर्बाद की है। और अवैस को जब मैंने ये बात बताई है, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी और मुझे वहाँ पे मार दिया और मुझे ब्लैक मैजिक से यहाँ पे भेजा है। घर में आकर उसने पहली बात की थी कि मम्मा मुझे इन्होंने मुर्दा खाने में लेकर आए हैं, भेजा है, और मुझे शक था उसकी बातों पर। मैंने आमर को ये बातें बताई थी और आमर ने कहा था तुम ज़्यादा घर के मामलों में मत पढ़ो। फिर जिस दिन लास्ट में अपनी बहन का जितना मेरे ट्रीटमेंट करवाया वो सब आमर याकत के पैसों पर ट्रीटमेंट हुआ है, आमल लियाकत नहीं पैसे भेजे थे उसकी भी ट्रीटमेंट हुआ। और मुझे कह रहा था कि हानिया तुम ज़्यादा पर्सनल मामलों में मत पड़ो, तुम्हारी अम्मी बू नहीं बताना चाहते, तुम चुप हो जाओ चुप हो जाओ। लेकिन मुझे पता था कि मेरी बहन जिंदा नहीं है, तो मेरी बहन ने मुझे ये बात बताई उसका सच। और मेरी माँ इतनी बेगैरत, मेरा बाप इतना बेगैरत, दुनिया को ये बात नहीं बता रहे कि उनकी मरी हुई बेटी वापस आई हुई है और उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दी हुई है और उसमें खाली ब्लैक मैजिक के जरिए जिंदा रखा हुआ, और टूबा ने भी मुझ पर ब्लैक मैजिक करवाया हुआ, और ये लोग मिलकर मुझे पागल कर रहे हैं और पागल खाने भेज। अगर आज इन लोगों ने पागल खाने भेजना है बेशक भेज दें, और अवैस को भी जेल में करवाएं। और मेरी बहन अजहर शाह को पता है, अजहर शाह ने ट्रीटमेंट किया था अजहर शाह के घर, उसके घर नहीं था, आपने सच्चाई बताई थी अपनी, उसकी रूह आई थी, उसने बताई थी सच्चाई। अगर मैं पागल हूँ तो मैं अपना गोल्ड कैसे, मुझे पता है कि मेरा गोल्ड है, मैंने पहनना है, अपनी बहनों को नहीं देना। पागल हूँ मैं तो मुझे हर बात कैसे पता है, पागल हूँ तो मुझे मौला अली का कैसे पता है, इस ताकतों का मुझे कैसे पता पागल। इससे बेहतर जितना जुलम मेरे घर वाले कर रहे हैं ना, मुझे पागल खाने भेजते हैं, मुझे मारा जा रहा है, मेरे बाप बार बार मारता है मुझे। मुमताज़ जो कहता है, मुमताज़ की बात सुनती है, आमल याकत तक मेरी गलत इन्फॉर्मेशन पहुँची जा रही है, उसे नहीं बताया जा रहा सच, सच बताने से रोका जा रहा है, उसको ये समझा रही है कि हानिया उसके अगेंस्ट है और उसे कर रही है, बर्बाद कर रही हूँ मैं उसका, मैं उसका कैरियर डैमेज कर रही हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे घर वाले कुत्ते हैं और तूबा अमर के आगे बिक चुके हैं और मुमताज़ के आगे बिक चुके हैं, उसका ड्राइवर एक नंबर का गश्ता कुत्ती का बच्चा। उसे जो भी सुन रहा है मेरी आवाज़, उसे बोलो आमर को कि वो जितने तुम्हें मैंने कुरान पाक की, जिस दिन हमें निदा आपी की घर की थी, कुरान पाक की कसम उठाई थी, निदा आपी ने बोला था नौशीन कसम मत उठवाओ, मेरा रियल नाम नौशीन तारिक है, मीडिया में मेरा हानिया खान के नाम से लोग जानते हैं। मुझे मना किया था उसने कि हानी कसम नहीं उठवाओ, जुल्म आ जाएगा। मैंने वो कहा
अवैस अगर तुम सच्चे हो तो कसम उठाओ। अवैस ने वो पहले मुझे गालियां दी, थप्पड़ मारा और ये बात आमा लियाकत सुन रहा था, फोन पे था। आमा लियाकत ने कहा था तुम इस मामले में मत पढ़ो। मैंने उसे कहा कसम उठाओ अगर तुम सच्चे हो। उसने वजू किया, कसम जब उसने उठाई उसके बाद से मेरी ये हालत है। उसके बाद से मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मैं मौला अली को मानने लग पड़ी हूँ, मेरे अंदर बहुत जो मैं कहती हूँ वो होने लग पड़ा है, और मैं मजलिस करती हूँ और मैं मौला अली को मानने लग पड़ी हूँ। और इस बात से मेरे घर वाले सुननी है, उनको तकलीफ है, पूरी मेरी फैमिली मेरा कत्ल करना चाहती है। देखिए मैंने इमाम जामन पहना हुआ, मौला अली के मानते जो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ, और मेरे फैमिली वाले मुझे पागल बनना चाहिए। मैंने 15 को इतनी कॉल की है लेकिन मेरी बहनें मुझे करने नहीं दे रही है। मेरी बहनें मेरी जान की दुश्मन, मुझे पागल करना चाहती हैं और भेजना चाहती हैं, और निदा आपी का सच नहीं बताने दे रही मुझे पूरी दुनिया को। निदा आपी के साथ उसके नंद के हस्बैंड ने ज्यादती की थी, बदतमीजी की थी, और ये बात मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ। और ये बात रोकी जा रही है, उससे मेरा बाप मुझे मारता है, मेरी माँ मारती है। कोई हस्बैंड ये बर्दाश्त कैसे कर सकता है कि उसकी बीवी के साथ बदतमीजी हो और उसके बाद वो उसे तलाक दे दे। अवैस कदीर कुत्ते अब्बास सामने पूरी मीडिया को मैंने बता दिया, कुत्ते के बच्चे। मैं हानिया खान मीडिया में ही थी और मेरी बहन ने ही मुझे ताकतें दी थी ये सच बताया, और आज मैंने ये सच पूरी दुनिया को बताया। आप लोग मेरी बात पर यकीन करें नहीं करें मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो अवैस कदीर का जो जिसने मेरी बहन के साथ ज्यादती की है, जिसने मेरी बहन को मारा है, वो जो है वो ऐसा जो पुलिस वाला वो इस बात पर उसे टॉर्चर करता रहा था कि तुम्हारे भाई को मैं पकड़वा दूंगा, तुम्हारे बाप को कत्ल करवा दूंगा, ये वो। मेरे बाप मुझे कुछ नहीं कहता लेकिन मेरी बहनें और मेरी माँ दुश्मन है मेरी। वो ये बात दुनिया को नहीं बताना देना चाहिए, रोकना देना चाहिए, रोकना कि ये बात मैं किसी को न बताऊँ। और इस बात का गवाह चश्मदीद गवाह अजहर शाह, जिन्होंने ट्रीटमेंट किया था निदापी का, वो लोग हैं। मैं आप चाह रही हूँ कि जो जो ये देख रहे हैं मीडिया, मीडिया वाले आए जंगी सैदा, पूरा मीडिया आए। मैंने 15 पे कॉल कर दिया, थाना नूना लगता है हमारा, वहाँ पे आए, मेरा इंटरव्यू लें और अवैस शाह के घर जाएं, पुलिस भेजें, वहाँ पे मेरी बहन की हालत देखिए और सच पता चले, और मौलवी और आमर लियाकत को बोलें जो मैं तुम्हें सच कहता सारे वॉइस मैसेज बोलो और उसे पता चले कि मैं पागल नहीं हूँ।